नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पहुंचे डेरा सच्चा सौदा के मेन गेट के बाहर। यहाँ पे काफी लड़कियां बहनें आज भी आई हुई हैं डेरा सच्चा सौदा में, अपनी श्रद्धा भावना लेके, वो आस्था लेके, जैसे एक गुरु के लिए एक शिष्य की श्रद्धा होती है, वैसे ही आज भी ये लोग आए हैं। इनसे जानते हैं इनके क्या विचार हैं इनके डेरा सच्चा सौदा के लिए और गुरु जी के लिए। क्या नाम है आपका? चरणजीत। सर, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हो? 2003 से आ रहे हैं। इतने लंबे समय से आप यहाँ पे आ रहे हो, कभी आपने यहाँ पे कुछ गलत होते हुए देखा हो? कभी भी नहीं देखा। मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मैं संगत को भी लेके आती हूँ, आप भी आती हूँ। जितना पाक पवित्र हमारा सच्चा सौदा डेरा है, उतना कहीं भी ये पाक पवित्रता नहीं देखी गई। पूरी मर्यादा के साथ संगत रहती है, एक तरफ भाई रहती है, एक तरफ बहनें रहती हैं। यहाँ किसी भी एक अनमैरिड लड़की, किसी को, छोटे बच्चे को भी कोई खतरा नहीं है यहाँ से। जितनी मर्यादा जहाँ कहीं भी, मैंने धार्मिक स्थानों पे बहुत गए हैं लेकिन हमने ऐसा कहीं भी नहीं देखा। और जो पिताजी हमें शिक्षा देते हैं कि कैसे सच के राह पे चलना है, सच्चाई पे पहरा देना है, हम उसको फॉलो करते हैं और उनके वचनों को पूरा मानते हैं। लोगों के लिए वो रब होगा लेकिन हमारे लिए वो पूरा भगवान है। और भी काफ़ी बातें मीडिया ने फैलाई थी डेरा सच्चा सौदा के बारे में, क्या कहोगे? सब कुछ झूठ है, एकदम झूठ। सच की बात कोई करना नहीं चाहता, ना सुनना चाहता है, सब झूठ है, झूठ का पसारा है सभी। और हमारा सतगुरु पूरा सच्चा है, सच्चा था, सच्चा रहेगा। आज आपको अपने सतगुरु पर, गुरु पर कितना विश्वास है? अपने से बहुत ज्यादा विश्वास है, अपने से ज्यादा।